हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। अच्छे होंगे आप सब, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मैं मंदिर से स्टार्ट कर रही हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, चैती दुर्गा पूजा था तो 3-4 दिन हो गया था, मतलब कि 5 दिन पूजा का हो गया था, तो मैं सोची मैं भी एक दिन मंदिर चली जाती हूँ और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यही है मेरे गाँव का मंदिर, देख रहे हैं ये मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, और मैं पूजा करने के लिए आई थी कुछ लोगों के साथ। और ये हमारे यहाँ का ब्रह्म स्थान है, देख रही है अगर नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ये है ब्रह्म स्थान है यहाँ का, और ये सब घोर कलश चढ़ाते हैं, जिनका जो मनोकामना रहता है पूरा हो जाता है ना, तो यहाँ पर ये चढ़ाया जाता है इन भगवान को। देख रहे हैं कितना अच्छे से सब लोगों ने पूजा किया है, सजाया है। भगवान तो भगवान होते हैं हमेशा, और बहुत जगह हम लोगों ने पूजा किया, जगह जगह पर पूजा करने वाला था। और इधर ये पोखर है, यहीं से जल ले कर चढ़ाया जाता है भगवान को। तो मैं बहुत कम आती हूँ क्योंकि बाबू लोग मेरे तंग करने लगते हैं कि मुझे भी जाना है, इसीलिए मैं सोची एक ही दिन। और यहाँ पे झूला और भी लगा हुआ था, और ये दूसरे यहाँ का पोखर है, मतलब कि ये मंदिर का पोखर है। यहाँ पे हम लोग पैर धो रहे थे, इधर मैं आ गई हूँ पूजा करके फ्रेंड्स मंदिर पे से, मतलब कि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं खाली बैक कैमरा से ही वीडियो ले रही थी मंदिर पे। और अभी ना थोड़ा कम भीड़ है, शाम को ना बहुत अच्छा लगता है, झूला रहता है, शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो मैं शाम को नहीं जा पाती हूँ, बाबू और तंग करने लगता है, इसलिए तो आज मैं सुबह जल्दी ही चली गई थी। और आई हूँ तो कपड़ा बदलने की भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, देख रहे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, धूप तो बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाना चल रखा है मेरा, नाश्ता ही बना के गई थी बस में, तो वो भी नाश्ता आधा ही बनाई थी, आधा आटा छोड़ ही दी थी रोटी बनाने के लिए, तो आई हूँ तो अभी बनाई हूँ और अभी खाना बन रहा है, और सोचा आप लोगों से भी बातें कर लूँ। तो चलिए चलते हैं अब खाने पीने की ओर, ठीक है। और ये ना छिपकली को देख के मेरा कार्तिक बाबू इतना ज़्यादा डर गया था, कुछ कहने का नहीं, बहुत हंसी आ रहा था हम लोगों को उस टाइम में, मतलब कि जब भी छिपकली को देखता है ना तो बहुत डर जाता है और बोलने लगता है छिपकली, अपने आप में ये चिल्लाने लगता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मेरे हुई इसका, देख रही है कर भी कैसे रहा था, भाग भी नहीं रहा था मेरा बाबू, बहुत डर रहा था फिर भी। तो चलो ये सब हो गया, अब तो ये मैं मतलब कि दोपहर का खाना बना रही थी, आलू और प्याज टमाटर का खाना बना रही हूँ मैं। देखिए कैसे बना रही हूँ, कुकर में डालकर, मतलब कि जीरा तेज़पत्ता ये सब डाल दिया है मैंने आलू फ्राई करने के लिए कुकर में। कुकर का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने प्याज डाल दी, और ये सूखा मसाला है, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर नमक, ये सब मैं एक ही बार डाल दूँगी इसमें। देखते जाइए सब्ज़ी बहुत मस्त बनने वाली है, खाया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा था मुझे, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार इसको। और ऐसे इसको मिक्स कर देना अच्छे से, देखिए कलर चेंज पे चेंज होते रहेगा, मतलब कि क्या बताऊँ, अभी नवरात्रि है, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एकदम मीट की तरह खाने में लगता है ये खाना, एकदम मतलब मीट की तरह लगता है। और मैंने ये टमाटर डाला है, एक कच्चा टमाटर और एक पक्का टमाटर, आप लोगों के पास अगर अवेलेबल ना हो कच्चा टमाटर तो आप पक्का भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है कि यही डालना है, ठीक है। मेरे पास था, मैंने इसलिए डाल दिया, तो मैं ये 2 टमाटर भी डाल दी इसमें, और हल्का हल्का इसको पकाएंगे। देखिए मैं सब कुछ दिखा ही रही हूँ आप लोग, कितना अच्छा फ्लेवर बन के तैयार हुआ है इसका। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी दोस्तों, प्लीज़ एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, हर एक चीज़ ट्राई करना चाहिए वैसे भी। और ये देखिए बन के तैयार हो गया है, सिर्फ आलू प्याज टमाटर का सब्ज़ी। भाप लग रहा था ना मोबाइल में, तो मैं मोबाइल पूछ रही थी, ऐसा हो गया था। तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार हुआ, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था हम सबको। तो प्लीज़ बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा पूरे वीडियो को, तभी पता चल पाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं बार बार यही बताती हूँ, और रोटी बनाऊँगी अब मैं। और इधर मतलब कि दोपहर हो गया था तो खाना वाना हो गया था, लंच वंच, तो मैं सोची चावल रह गया ना, चावल में सूड़ा हो गया है, ये सभी के चावल में हो जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत पुराना हो जाता है ना, कोटा में पुराना चावल देते हैं, देख रहे हैं एक दो ये हो गया, तो मैं इसको झाड़ फटक कर रख दूँगी ना, तो अच्छा रहेगा खाने बनाते समय में, अगर मेन इमरजेंसी में आप दिन या रात कभी भी बनाओ तो बस ऐसे ही नाप के ले लो और धो के डाल दो, मतलब बार बार करना नहीं पड़ता है। तो मैं सोची एक ही बार 5-10 किलो फटक कर रख देती हूँ, रोज़ रोज़ फटक के रख दूँगी तो 30-40 किलो मिलता है ना हम लोगों को, 40-50 किलो महीने में, तो ऐसे में 4-5 दिन में काम ख़त्म ही हो जाएगा, एक बार में तो इतना नहीं हो पाएगा। तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा करके बीच के रख लेती हूँ, दोपहर में थोड़ा सा टाइम रह जाता है तो खाली टाइम में क्या करूँ, तो मैं यही सब करने लगी थी। और मेरा सुशांत बाबू वीडियो बना रहा था,
और जब मैं मंदिर गई थी ना तो सुशांत सो रहा था, इसीलिए मैं उसको नहीं ले गई, जो भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखिए इतना निकल, देखिए कितना कचरा निकला है इसमें, इतना ज़्यादा कचरा है। तो इसको मैं गाय को दे दूँगी, जहाँ से गोबर लाती हूँ ना तो उन्हीं को दे दूँगी ये। और उधर गेहूँ भी रखा हुआ, गेहूँ भी फटकने के लिए है मुझे, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया हमारा फिर से, तो हम गेहूँ फटक लेती हूँ मैं इसमें। देखिए बहुत अच्छा सूख गया है एकदम। और इधर कार्तिक बाबू को देखिए क्या कर रहा है, अपने भाई को बाल झाड़ रहा है। जू देखते रहता है इसका, बोलेगा लाना लाना जू जू जू, कीड़ा कीड़ा बोलेगा, कीड़ा है इसका। देखिए कितना अच्छे से, मतलब समझदारी कितना है इस बच्चे में कि बाल ऐसे झाड़ते हैं, मम्मी इसका बाल ऐसे झाड़ती है, तो ये भी इसका ऐसे ही बाल झाड़ रहा है, देखिए आप लोग। तो आज का वीडियो मैं इसी, मतलब कि इसी टॉपिक पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा हो। अब मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, ठीक है। तो आई होप आप लोग बिना स्किप करके देखते होंगे मेरा वीडियो, इंजॉय करते होंगे, और मैं भी आप लोगों का वीडियो ऐसे ही देखती हूँ, खूब इंजॉय करती हूँ। जितने भी लोग हैं मेरे करीबी दोस्त हैं, मैं सबका देखती हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल के ब्लॉग का इंतज़ार करिए मेरा, ठीक है।